श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 14 मार्च दिन है मंगलवार का और तिथि है शीतला सप्तमी की और 15 मार्च को है शीतला अष्टमी। और इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शीतला सप्तमी और अष्टमी के उपाय बताने वाले हैं, साथ में कैसे पूजन करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साथ में एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जा सकता है, जिसे आप 14 मार्च मंगलवार के दिन कर सकते हैं, जो कि शीघ्र विवाह, व्यापार वृद्धि और नौकरी प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत उपयोगी है और गुरुजी की बताई हुई जानकारियों से भरपूर है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, पहली जानकारी की ओर। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी आप जब भी पूजन करने जाते हैं तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष बात को ध्यान में रखने को कहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, इस दिन आप शीतला माता को पूजन में ठंडा सामान अर्पित करते हैं और ठंडा प्रसाद अर्पित करते हैं, क्योंकि इस दिन के पूजन के विधान में कोई भी गर्म चीज़ की महत्वता नहीं है। तो आपको पूजन में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको ना ही दीपक प्रज्वलित करना है ना ही अगरबत्ती लगाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं या फिर अगरबत्ती प्रज्वलित कर देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, तो ऐसा करने पे आपको अपने घर में बच्चे बीमार देखने को मिलते हैं, आपके पति के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं और घर के लोग चिड़चिड़े बने रहते हैं, घर में क्लेश बना रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ना ही दीपक प्रज्वलित करना है ना ही अगरबत्ती जलाना है। बढ़ते हैं शीतला सप्तमी अष्टमी के दूसरे उपाय की ओर। अब आपको शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी में आपको क्या करना है वह भी समझ लीजिए, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। शीतला माता के पूजन में आपको एक लोटा पानी लेना है और इस जल कलश के अंदर आपको पुष्प लेना है, पुष्प डाल देना है और इसे आपको शीतला माता को अर्पित कर देना है, इससे शीतला माता का आपको स्नान करा देना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अगर आप एक दिन पहले चने की दाल को फुलो लें और चने की दाल और गुड़ का भोग माता जी को लगाएं तो इससे घर में रोग मुक्ति देखने को मिलती है। और इस दिन आप दही और चावल भी माता जी को अर्पित कर सकते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। और माता जी को जल अर्पित करने के बाद आप रोली, कुमकुम और चुनरी या वस्त्र आप जो अर्पित करना चाहते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार वह भी अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, शीतला माता की पूजन ठंडे समय में की जाती है, अर्थात आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको रात को 11 बजे तक भोजन बनाना है और 12 बजे ही लाइन में लग जाना है या फिर 1 बजे रात को लाइन में लग जाना है। गुरुजी ने कहा है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, आपको इतनी जल्दी क्या है, आप अपनी माता के पास जा रहे हो, आपको अंदर से शीतल होने के बाद ही पूजन करने जाना है, अर्थात आप सुबह ठंडे समय में भी जाकर पूजन कर सकते हैं, भीतर से शीतल होने पर ठंडे होने के बाद ही शीतला माता की पूजन करने से माता की आप पर विशेष कृपा होती है, माता आप पर प्रसन्न होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर, जिसे आप 14 मार्च मंगलवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक धतूरा वाला विशेष उपाय बताया है, जिसे आप 3 से 4 मंगलवार करेंगे तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए यह उपाय करेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। यह धतूरे वाला विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। तो यह उपाय आप मंगलवार के दिन अगर सुबह कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप इस शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं, पर सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव होते हों, व्यापार में हानि ही होती चली जा रही हो, तो वे यह उपाय कर सकते हैं। या फिर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या फिर इंटरव्यू में आप जाने वाले हों या फिर उसके लिए प्रयास कर रहे हों तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी में आपके बहुत लेट हो रहा हो, 28, 30, 32, 36, 38, 40 साल के हो गए हों, अब रिश्ते आने भी बंद हो गए हों या फिर कहीं पर बात होती हो तो बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है, तो आप इस उपाय को तीनों में से कोई भी एक उद्देश्य को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो सिर्फ व्यापार के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ शीघ्र विवाह के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको तीनों उद्देश्य को मन में रखते हुए यह उपाय करना है। आप सिर्फ एक उद्देश्य को रखते हुए एक मंगलवार को यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा भी कोई उद्देश्य है, व्यापार वृद्धि और शीघ्र विवाह दोनों हैं, तो आप दो अलग अलग मंगलवार में यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक धतूरा लेना है और एक धतूरे को आपको बीच में से फोड़ लेना है। धतूरा को फोड़ने के लिए आप चाकू का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर पत्थर का उपयोग कर सकते हैं।
धतूरा फोड़ने के बाद आपको धतूरे के अंदर का फल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर धतूरे का अंदर का फल अर्पित करने के बाद इसी के ऊपर आपको एक कलश साफ जल जरूर अर्पित करना है। आप चाहो तो एक से अधिक भी साफ जल अर्पित कर सकते हैं, पर एक कलश जल जरूर अर्पित करें। इस जल का आपको आचमन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि धतूरा जो आपने अर्पित किया है वह विषैला होता है। धतूरे को ना ही आपको कभी खाना है, ना ही उस पर चढ़ा हुआ जल का कभी आपको आचमन करना है। और इस उपाय में भी आप जल चढ़ाएंगे तो उसके बाद उस जल को ना ही प्राप्त करें, ना ही उसका आचमन करें, बस इतना ही करना है। और आपने जो धतूरा को काटा है या फिर फोड़ा है, जो उसके बाहर का फल होगा, जो कांटेदार फल होगा, जो बाहर की परत होगी, उसको आप कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो बेलपत्र या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप उसे छोड़ सकते हैं, बस इतना ही करना है। 3 से 4 मंगलवार यह उपाय करके देखिएगा। जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए मंगलवार का विशेष उपाय है, जिसे आप प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी या फिर ये मंगलवार के उपाय से संबंधित, तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। और यह वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।